हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्र स्पीक्स डॉट कॉम। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राहू और केतु के बारे में। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर राहु केतु बड़े कॉम्प्लेक्स हैं समझने में। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इनके स्टोन पहने कि ना पहने, हम केतु का स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं, राहु का स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मिलेंगे जो भी राहु केतु से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कि राहु केतु हैं क्या। देखिए, हमारे वैदिक शास्त्र में, हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स का जिक्र है। उसमें से 7 प्लैनेट्स जो हैं वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं। फिजिकल प्लैनेट का मतलब ये हुआ कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, ये जो प्लैनेट्स हैं इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अर्थ से डिस्टेंस है, इनका अपना कलर है, मास है। लेकिन जो दो प्लैनेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं शेडो प्लैनेट्स या फिर छाया ग्रह, राहु और केतु, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये ऑब्जर्व किया कि जोडियक पे, भजक्र पे दो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और उन वाइब्रेशंस का हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि उन्होंने इसको राहु केतु को एज ए प्लेनेट कंसिडर किया। अब इनके रिजल्ट लाइफ में क्या मिलेंगे, अगर हम लोग बात करें स्टोरीज की, माइथोलॉजी की, तो उसमें क्या बोलते हैं कि राहु हेड है और केतु जो है वो धड़ है या फिर नीचे वाला पार्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि राहु खाता है क्योंकि उसके पास मुँह है, केतु खाता नहीं है। कुछ ने बोला कि राहु जो है प्रेजेंट है, केतु पास्ट है। तो ऐसी डिफरेंट बातें हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको आज हम लोग एक साइंटिफिक वे में समझने की बात करेंगे। देखिए, राहु आपको अटैचमेंट देगा, आपको जोड़ेगा, और केतु आपको डिटैच करेगा, आपको अलग करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, किसी की भी कुंडली में अगर राहु सेकेंड हाउस में बैठा है, सेकेंड हाउस धन भाव हुआ, फैमिली का हुआ, तो राहु आपको कहाँ से जोड़ेगा? राहु आपको अटैच करेगा आपकी वेल्थ से, राहु आपको अटैच करेगा आपकी फैमिली से। तो राहु का काम क्या है? जोड़ने का काम है, अटैच करने का काम है, और यही अटैचमेंट आपको पेन देगी, दुख देगी। और केतु का रिवर्स काम है। केतु क्या करेगा? केतु आपको डिटैच करेगा, आपको अलग करेगा। तो केतु जहां भी बैठेगा, राइट, और जहां भी देखेगा, उसकी दृष्टि पड़ेगी, वहां से आपको अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर केतु सेवेंथ हाउस में चला गया, सेवेंथ हाउस मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, तो आपकी मैरिज में इशू आना ही आना है। जनरली देखने में ये आता है कि ऐसे लोग शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो पेरेंट अपने पार्टनर से अटैच नहीं होते, अलग हो जाते हैं, राइट। तो केतु अलग करेगा और राहु अटैच करेगा। अब ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट अच्छे हैं या बुरे हैं? देखिए, अगर हम केतु की बात करें तो वो केतु किस लिए अच्छा है? अगर मुझे स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, अगर मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, इसलिए बोलते हैं केतु मोक्ष का कारक है। तो आपको मोक्ष कब मिलेगा? आपको मोक्ष तब मिलेगा जब आपकी लाइफ में पैसा भी ना हो, परिवार भी ना हो, बच्चे भी ना हो, वाइफ भी ना हो, हस्बैंड भी ना हो, रिलेटिव्स भी ना, कोई आपकी लाइफ में नहीं हो, तो आपको मोक्ष मिलेगा। और उसके लिए कारक कौन है? केतु कारक है। क्यों? आपको वो हर चीज से अलग कर देगा। और राहु क्या करेगा? राहु उसका जस्ट रिवर्स करेगा, और राहु आपको हर जगह से जोड़ देगा, अटैच कर देगा। और ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही कारक है पेन के लिए, दुख के लिए, राइट। अब ये तो हुई रिजल्ट्स की बात कि राहु केतु हमें लाइफ में क्या रिजल्ट्स देंगे। अब इनके स्टोन्स पहनने चाहिए कि नहीं? देखिए, राहु का जो स्टोन है वो है गोमेद, और जो केतु का स्टोन है वो है लहसुनिया।
तो अगर आपको लाइफ में स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए तो आप कैट्स आई या फिर लहसुनिया पहने। उसका रिजल्ट क्या होगा? लहसुनिया पहनने का रिजल्ट ये होगा, आपका मन हर जगह से हट जाएगा, अपने परिवार से, पैसे से, जहां जहां केतु बैठा है, जहां पे उसकी दृष्टि होगी, उन हाउसेस से आपका संबंध खत्म हो जाएगा। तो जनरली अगर आपको स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए तो यस, यू कैन वियर केतु स्टोन, आप केतु का स्टोन पहन सकते हैं। अदरवाइज मैं केतु का स्टोन रिकमेंड नहीं करता। राहु का स्टोन गोमेद है, और गोमेद अब जो क्वालिटी है राहु की आपको अटैच करेगा। तो जनरली राहु जो है वो आपको डर देता है, अनसर्टेनिटी देता है, चीजों को माइंड में क्लियर नहीं होता। तो राहु का स्टोन भी जनरली रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि राहु क्या है, राहु और केतु जो है ये एक मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, पाप ग्रह हैं, और पाप ग्रहों के स्टोन को पहनना कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है, जो आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको कम करता है। हाँ, केतु का स्टोन या फिर राहु का स्टोन हम पहनते हैं अगर वो अपनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड हो गए या उच्च के हो गए। अब राहु उच्च का कहां पर होगा? राहु सेकंड साइन में, टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है या उच्च का होता है, और नीच का कहां पर होगा? स्कॉर्पियो में या एट्थ साइन में वो नीच का हो जाएगा राहु। और केतु के लिए रिवर्स है, केतु एट्थ साइन में स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड होगा, और सेकंड साइन में केतु जो है वो नीच का हो जाएगा। राहु केतु के मूल त्रिकोण भी हैं। थर्ड नंबर राशि जो है, तीसरी राशि जो है, वो राहु की मूल त्रिकोण राशि है, और जो नाइन्थ साइन है वो केतु का मूल त्रिकोण का साइन है। अब राहु केतु के अपने हाउसेस क्या हैं? सिक्स्थ साइन छठवीं राशि जो है वो राहु का ओन हाउस है, और जो ट्वेल्थ साइन है, मीन राशि है, पाइसेस साइन है, वो केतु का ओन हाउस है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बात करी राहु और केतु की, कि ये कहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं। और एक चीज और है फ्रेंड्स, एक और चीज मैं ऐड करूंगा इसमें, राहु केतु जो है उपाचे हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। उपाचे हाउसेस क्या हुए? 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, ये जो हाउसेस हैं ये उपाचे हाउसेस हैं, और यहाँ पे राहु केतु के जनरली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदर देन किसी भी हाउस में अगर राहु केतु बैठेंगे तो लाइफ में डिफिकल्टी लेकर आएंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। विश यू हैप्पी लर्निंग, और हम सीखते रहेंगे, मैं सिखाता रहूँगा, और ये जर्नी चलती रहेगी। थैंक यू।